तो और यू आर सॉट ऑफ रिलकटेंट टू एडिट इट एंड यू वॉन्ट टू इट टू बी देयर इन द थीस सो बी वेरी केयरफुल कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपको क्लियर लग रही हैं वो दूसरे को क्लियर ना लगे उसकी वजह यह होती है कि कुछ चीजें आपके जहन में होती हैं और आप अपने डेटा से इतने करीब होते हैं और आपने इतनी दफ़ा अपने थीसेस को पढ़ा होता है कि आप समझते हैं कि उसकी हर चीज क्लियर है जबकि ऐसा नहीं होता तो उसके लिए बहुत ज्यादा एडवाइस किया जाता है कि आप अपने थीसिस को जरूर जो है किसी और को पढ़वाएं और उनसे पूछें कि इसके कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप कोई चीज लिख कर रख दें और उसके बाद उसको एक दो दिन बाद दोबारा रिविजिट करें सो तो in any case the point is that if you want to present your ideas clearly you have to present your ideas in an order usme kisi organized tarike se chahe wo kisi kism ki bhi organization ho historical uh, ऑर्गेनाइजेशन uh, हो क्रोनोलॉजिकल हो या फिर वो किसी भी तरीके से चल रही हो वो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न जो है वो बहुत क्लियर हो और इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द चैप्टर्स तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है जो हम कहते हैं कि एक बहुत क्लियर आउटलाइन दें बिगिनिंग ऑफ द ईच पैराग्राफ सेकेंडली यू मस्ट मेक श्योर के जो आप लिख रहे हैं दैट एक्सप्रेशन इज स्मूथ देयर इज कंटिन्यूटी इन इट इट इज स्मूथ एंड इट इज प्रिसाइज और हम डिस्कस करेंगे कुछ अरसे बात के Uh, what do we exactly mean by smoothness and preciseness? Preciseness, of course, means that you accurately read the important, hai, within which your all your ideas are uh, there, is the tone of the research paper, the tone of your writing. The tone of your writing ka matlab ye उससे किस किस्म का इम्प्रेशन मिल रहा है तो टोन जो आपकी राइटिंग की है वो बहुत ज्यादा अजर्टिव भी नहीं होनी चाहिए कुछ जगह पे वो थोड़ी अज़र्टिव होगी कुछ जगह पे वो मेलो डाउन होगी और हम इसको ये भी देखेंगे कि हम टोन को किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे मैनेज कर सकते हैं रिमेम्बर इफ योर टोन इज टू एग्रेसिव और टू योर मेकिंग टॉल क्लेम्स तो इट रीडर्स Because readers The right kind of tone will engage your readers and it will communicate clearly uh, the ideas that you have in mind.